हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 14 दिन शनिवार है। दोस्तों, आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है कि धान गेहूं छोड़कर किसानों ने शुरू कर दी अब सब्जियों की खेती, जिससे साल भर होती है मोटी कमाई। इसके लिए बागवानी विभाग ने किसानों को दी है बड़ी सलाह। दोस्तों, देश में खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। राज्य सरकारें भी अपने राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए आर्थिक मदद के साथ तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रही हैं। सरकार किसानों को पारंपरिक खेती के अलावा कैश क्रॉप खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है ताकि उनकी स्थिति बेहतर हो सके। इसी कड़ी में बागवानी विभाग की मदद से फरीदाबाद के किसान सूरज सिंह ने परंपरागत खेती छोड़ अब गोभी, आलू और नींबू की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें साल भर हो रही है मोटी कमाई। दोस्तों, इसी प्रकार से आप परंपरागत खेती छोड़कर कृषि विभाग या बागवानी विभाग की मदद से कम भूमि पर ही प्राकृतिक या फिर बागवानी खेती करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, बालाघाट जिले से खबर है। बालाघाट जिले के गोंगलई में एक खेत में बिखरे पड़े हैं 10वीं, 11वीं और 12वीं शताब्दी के अवशेष। दोस्तों, बालाघाट मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत गोंगलई में एक किसान के खेत में 10वीं शताब्दी की भगवान गणेश की प्रतिमा समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ 11वीं व 12वीं शताब्दी की महिला योद्धाओं के काले व लाल पत्थर की प्रतिमा के अवशेष बिखरे पड़े हैं। इन्हें सहेजने के लिए न तो प्रशासन आ रहा है और न ही संग्रहालय विभाग और न ही ग्राम पंचायत स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे ये धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व की प्रतिमाएं दिन भर जीर्ण शीर्ण हो रही हैं। दोस्तों, इसके लिए जिला प्रशासन को ध्यान देना होगा ताकि बरसों पुराने अवशेष सहेजे जा सकें। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है बड़ा ऐलान। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि इंदौर से देश में निवेश का नया दौर आरंभ हो गया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों को भूमि मिलने पर कोई अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, उन्हें अटकने नहीं दिया जाएगा, भटकने भी नहीं दिया जाएगा। उद्योग लगने के बाद 3 साल तक कोई अधिकारी उद्योग का निरीक्षण भी नहीं करेगा। आप निवेश कीजिए, मामा आपको पूरा भरोसा देता है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हाई टेंशन लाइन से लेकर जनरेटर की परमिशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास नवकरणीय ऊर्जा में 6,78,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं, अर्थात ग्लोबल समिट के दौरान 6,78,000 करोड़ रुपए के निवेश आए हैं, जिससे प्रदेश को मिलेगी बड़ी आर्थिक मदद। दोस्तों, कोरोना पर बड़ा अपडेट सामने आया है। इंदौर में हमेशा कोरोना ज़्यादा रहता है, लेकिन वहीं इंदौर में कोरोना का एक भी मरीज उपचाररत नहीं है, अर्थात कोरोना से इंदौर पूरी तरह से शून्य हो गया है। इस प्रकार से दोस्तों, शहरवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए बड़े राहत की खबर है कि इंदौर में वर्तमान में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। उपचाररत मरीजों की संख्या वर्तमान में शून्य पर पहुँच गई है, जिससे इंदौर वासियों तथा प्रदेशवासियों के लिए कोरोना पर बड़ी राहत की खबर आई है। दोस्तों, मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मध्य प्रदेश में हवाओं के बदले रुख ने तापमान को उछाल दिया है, लेकिन फिर बढ़ सकती है सर्दी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मौसम अब बदल गया है। हवाओं का रुख दक्षिणी होने से तापमान में उछाल दर्ज किया गया है। हालांकि देश के ऊपरी हिस्से में बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है और हवाओं का रुख उत्तरी होते ही मध्य प्रदेश में फिर ठिठुरन बढ़ेगी। वहीं 15 जनवरी के बाद यह ठिठुरन बढ़ जाएगी। मौसम बदलने की संभावना भी 15 जनवरी के बाद बताई जा रही है। प्रदेश में सबसे ठंडा पचमढ़ी और उमरिया है, दोनों ही जगह पारा 6.4 डिग्री तक पहुंच गया है। बाकी प्रदेश के अन्य जिलों में तापमान समान है। दोस्तों, अमूल दूध की कंपनी मध्य प्रदेश में करेगी 400 करोड़ रुपए का निवेश, जिससे सांची को भी मिलेगी टक्कर। दोस्तों, देश की सबसे बड़ी दूध सप्लाई करने वाली कंपनी अमूल गुजरात के बाद अब मध्य प्रदेश में अपना कारोबार फैलाने की तैयारी में है। इन्वेस्टर समिट में कंपनी ने 400 करोड़ के निवेश की पेशकश की है। वहीं कंपनी उज्जैन के पास एक प्लांट लगाना चाहती है, इसके बाद दूध का उत्पादन अमूल मध्य प्रदेश से ही कर सकेगी। दोस्तों, गुजरात में श्वेत क्रांति की नींव रखने वाली कंपनी अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़ा प्लांट लगाना चाहती है।
जिसमें कंपनी 400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दोस्तों इस प्रकार से प्रदेश में अब अमूल दूध की कंपनी भी लगने वाली है, जिससे गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी श्वेत क्रांति शुरू हो जाएगी। दोस्तों पिछले दिनों पड़ी कड़ाके की ठंड से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। फसलों पर पाला पड़ने से चना, अरहर, मसूर और सब्जियों की फसल हो गई चौपट। दोस्तों मध्य प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड से फसलों पर पाले पड़ रहे हैं। इसी के चलते छतरपुर के बक्सवाड़ा में तापमान में गिरावट के कारण पाले की चपेट में आई फसलें खराब हो गई। किसानों को फसल के खराब होने के चलते काफ़ी नुकसान हुआ है। किसानों ने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते पिछले लंबे समय से फसलें बर्बाद हो रही है। पिछली फसल के दौरान अधिक वर्षा ने फसलों को बर्बाद कर दिया था। इस बार भी मुश्किल से खाद और बीज जुटाकर समय पर फसलों की बुआई की, लेकिन पाले की वजह से सभी रबी की फसलें, खरीफ की फसलें खराब हो रही हैं। वहीं सब्जी उत्पादक किसानों का कहना है कि सब्जी की पैदावार में अधिक लागत आ रही है। वहीं तापमान में आई गिरावट के चलते फसलों को पाले से काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आने की आशंका से किसान अपनी फसलों को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। किसान बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। अब सरकार तथा प्रशासन इनकी मांगों को कैसे देखते हैं, कैसे पूरा करते हैं, वह देखना होगा। दोस्तों स्कूली छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। प्री बोर्ड परीक्षा पर नई अपडेट सामने आई है, जिसके चलते विभाग ने की है तैयारी और लगेगी इनकी अतिरिक्त कक्षाएं। दोस्तों मध्य प्रदेश बोर्ड में इस वर्ष प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल इस साल 10वीं 12वीं के लिए प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं हर साल जनवरी तक 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। हालांकि लेट लतीफी के चलते इस बार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा नहीं कराने का फैसला लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि शासकीय स्कूल में 9वीं और 12वीं की परीक्षा अभी हाल ही में समाप्त हुई है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे और उसे स्कूलों को भेजा जाएगा। स्कूलों को भेजे जाने के साथ ही प्री बोर्ड परीक्षा के लिए विद्यार्थी प्रश्न पत्र घर पर ही हल करेंगे। इस प्रकार से प्री बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सरकार ने व्यवस्था बनाई है। आप जरूर जानकारियों से अपडेट रहें। दोस्तों मध्य प्रदेश के 29 लाख बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार, इसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया ऐलान। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर रहा है। दोस्तों इंदौर समिट से मध्य प्रदेश सरकार को 15,42,514 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 29 लाख रोजगार नए सृजित होंगे, जिससे प्रदेश को मिलेगा राजस्व और प्रदेशवासियों को मिलेगा रोजगार। दोस्तों इस नए साल में लोगों को मिलेगी अच्छी सड़कें, जिससे जिले की 17 पुरानी सड़कों की मरम्मत की जाएगी। वहीं 32 नई सड़कें भी बनेंगी। दोस्तों साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में अनूपपुर जिले के लोगों को चलने के लिए अच्छी सड़कें मिलेंगी। वहीं लगभग सभी सड़कों को दुरुस्त भी किया जाएगा तथा नई सड़कें भी बनवाई जाएंगी। वहीं पुरानी सड़कों की मरम्मत कराकर चकाचक किया जाएगा, जिससे सड़कों से संबंधित लोगों की सभी शिकायतें दूर हो जाएंगी। दोस्तों बताया गया है कि अनूपपुर बजट में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पुरानी सड़कों के मजबूतीकरण व नई सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इसमें 17 पुरानी सड़कों के साथ 32 नई सड़कें भी शामिल हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक लगभग सभी विधानसभा क्षेत्रों में 12 से 15 करोड़ तक की लागत से सड़कों के काम कराए जाएंगे। यह काम जल्दी ही शुरू हो जाएंगे, ताकि बारिश से पहले अधिकतर काम पूरे हो सके। तो इस प्रकार से नए साल में अनूपपुर जिले को मिलेगी बड़ी सौगात। वहीं प्रदेश के अधिकांश जिलों में ये सारे काम होने हैं, जिससे नए साल में प्रदेश को मिल रही है बड़ी सौगातें। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।